they have some. Flattery. We still have, okay. But you know, it is a very good exercise for the body. Do a calculation. You have that watch? How many steps you walk? How many calories you eat? How many miles you have covered? The heartbeat, the respiration. And you compare 1 hour of kirtan with 1 day of your activity. Yeah. I challenge you to compare 1 hour of kirtan with 1 day of activity in your watch. And 1 hour of kirtan will give you more results. It will burn more calories. So you are able to maintain a good heartbeat for some time. Respiration, heat in the body, blood pressure. It is very good for low blood pressure people to sing kirtan. So it has been a wonderful time that we have spent today on the first, and it has been a continuous stream of people. It is just a continuous line of people who are coming back and forth and back and forth and again going and again coming, again going and again coming. Because there is no space. But it has been a truly, I would call it a very auspicious beginning to the year 2019. Sun 2019 ki ye ek bahut hi mangal kari शुभारंभ आज हुआ है हनुमान चालीसा के साथ। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सभी पर पड़े, ताकि हम लोगों का ये नया वर्ष सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। ये तो प्रार्थना है भगवान से, अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब उसको जो करना है वो तो करेगा, हम क्या कर सकते हैं उसका पात्र बनने के लिए? देखो, जीवन का एक बहुत सुंदर सूत्र है, लोग हर साल नए वर्ष के समय सोचते हैं कि साल हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जितना भी हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वो अपनी इच्छा से प्रेरित है, अपनी कामना से प्रेरित है, और कुछ समय के बाद हवा निकल जाती है। लेकिन जो एक अच्छा संकल्प जिसको हम पूरे जीवन भर अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, वो बहुत ही छोटा सा सुंदर सूत्र है, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में कर्म और धर्म दोनों का पालन करना है। तो कर्म और धर्म को अपना पैर बना ले। पैर का उपयोग किसके होता है? चलने के लिए, और संसार में हमको जीने के लिए तो सहारे की आवश्यकता होती है। एक सहारा है कर्म और एक सहारा है धर्म। तो वो दोनों तो हमारे पैर हो गए, अब तो हाथ चाहिए। एक हाथ है श्रद्धा और एक हाथ है विश्वास। तो दो पैर हो गए कर्म और धर्म, दो हाथ हो गए श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति,
क्योंकि जो कुछ भी आज हमें मिला है वो तो इन्हीं अपने पुरखों का संस्कार ही हुआ है और वही हमारी असली विरासत है। ऐसा तो आता है जाता है, लेकिन जो हमारी संपत्ति है, जो हमें विरासत में अपने पूर्वजों से मिली, वो तो जीवन के संस्कार है और जीवन को अच्छे से जीने की प्रेरणा है। तो श्रद्धा वो होना है और विश्वास होना है अपने में, अपने आप को कमजोर नहीं मानना। हाँ, भले हम भूल जाए कि हमारी उपयोगिता अथवा सामर्थ्य क्या है, तो हनुमान जी भी भूल गए। वो भूल गए थे कि उनकी उपयोगिता और सामर्थ्य क्या है, लेकिन गुरु जामवंत ने तो उनको याद दिलाया है। जो एक व्यक्ति को उसके उसका परिचय दे सके कौन होता है, गुरु ही तो होता है। तो जामवंत वहां पर हनुमान जी के गुरु बन गए, कहे कि बेटा अपने आप को कमजोर मत मानो, अपने आप को असंग मत मानो, अपने आप को सक्षम मत मानो। अगर तुम मन से और दिल से चाहोगे तो सब कुछ संभव है। और हनुमान जी उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हें ये सब शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, केवल इनका सदुपयोग करना जानो और इनको अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करो। उसके बाद तो हनुमान जी को रोकने वालों के संसार में बचा ही कोई राह नहीं है, क्योंकि वो विश्वास था हनुमान जी को अपने ऊपर और श्रद्धा थी अपने आराध्य पर, जिसके चलते आज वो हमारे पूज्य है, आराध्य है। और अगर वो हमारे पूज्य और आराध्य आज हैं, तो क्या हम भी तो उनका कुछ अनुसरण कर सकते हैं? उन्होंने अपने जीवन को जीवन का आधार बनाया कर्म और धर्म, इससे कभी विमुख नहीं हुए। अगर वो ध्यान भी करते थे और उनको कर्म करने का आदेश होता था, ध्यान छोड़ करके वो कर्म करने में प्रत हो जाए और कर्म पूरा करके फिर वो कहते थे राम नाम जपने के लिए, ये कभी नहीं कहते थे कि मैं पहले राम नाम जपूंगा उसके बाद कर्म करूंगा। हम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, नहीं भाई अभी नहीं, पहले मैं अपना जप पूरा करूं। हनुमान जी का जो चरित्र रहा वो भाव से ओत प्रोत चरित्र है। देखो भाव एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को जन्म के साथ आती है। गीता में कहा गया है मन संस्थान इंद्रिया ने प्रकृति स्थान कर सकती, मेरा ही अंश जब जीव लोक में जाता है तो उसे उसके साथ प्रकृति पांच इंद्रियों को और मन को भी आकर्षित करती है। तो यहां पर प्रकृति आकर्षित कर रही है मन को और पांच इंद्रियों को, मतलब छह चीजों को, जिससे हम अपने जीवन का व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से कर्म होता है, मन के माध्यम से चिंतन होता है। लेकिन एक और चीज है भाव, और ये जो भाव है वो ईश्वर का ही अंश है। एक बच्चा जन्म लेता है, बुद्धि तो है नहीं, देखता है कुछ, जानता तो है नहीं कि क्या देख रहा हूं, सुनता है जानता तो है नहीं कि क्या सुन रहा हूं, लेकिन
उसके बुद्धि नहीं, उसके इंद्रिया सुसुप्त है, जगी नहीं है, लेकिन किस चीज के कारण वो अपनी मां को पहचानता है। मां को जब देखता है तो क्यों वो मुस्कुराता है, क्यों वो हाथ पैर पर रखता है, क्यों उसके पास जाने का लुपटने का प्रयास करता है, कहां से ये आया उसके भीतर कि यही मेरी मां है। जबकि बुद्धि नहीं, विचार नहीं, इंद्रिया सोई है, लेकिन वो पहचानता है। पहचान कैसे, हाउ टू सर्च। और ये भाव जो है वो ही हम सबके जीवन में संबंध का कारण भी बनता है। आप और हम के बीच में भाव इसलिए जुड़े हैं, अगर भाव नहीं तो आप यहां नहीं, हम यहां हैं। भाव है इसलिए परिवार में हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये जो भाव है वो एक शुद्ध तत्व है, अशुद्ध है, स्फटिक की भांति पारदर्शी, काला पीला लाल हर पत्थर है जो पारदर्शी नहीं होते। और यही भाव जब संसार के साथ जुड़ता है तो इस पारदर्शी पत्थर में एक रंग दिखलाई देता है। पारदर्शी पत्थर को अगर हम लाल कपड़े के ऊपर में रखते हैं तो क्या होगा, लाल रंग उसमें दिखाई देगा। काले कपड़े के ऊपर में रखें तो काला झलकेगा, सफेद पर रखें तो सफेद दिखलाई देगा, क्योंकि पारदर्शी का तो अपना कोई रंग होता नहीं है, इस रंग में वो समाहित है, वही रंग उसमें दिखाई देगा। तो ये भाव जो शुद्ध है संसार में संबंध के चलते, विषयों के चलते, वासनाओं के चलते, भावना भावना के रूप में प्रकट होता है। और ना का अर्थ होता है रंगा हुआ, जो भाव रंगा हुआ है। और रंगा हुआ भाव कौन सा है, कभी ऋष्य है, कभी घृणा है, कभी द्वेष है, कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मोह है, कभी मत है, कभी मात्सर्य है। ये सब रंगे हुए भाव है, परिस्थिति के कारण, वासना के कारण, इच्छा के कारण, आवश्यकता के कारण, जो भी उसका कारण। और हम लोग भावना को देखते हैं, भाव को नहीं। देखो एक बहुत सुंदर बात गुरु जी ने कहा है कि आदमी कर्म करता है लेकिन कर्म से कभी प्रभावित नहीं होता, वो प्रभावित होता है कर्म की प्रतिक्रिया से। हमेशा कर्म की प्रतिक्रिया ही आदमी को प्रभावित करती है, कर्म प्रभावित नहीं करते हैं। आप कुछ किए और उसके बारे में हमें कमेंट कर दिए, आपने जो किया वो तो आपने अपने दिल से किया, लेकिन हमारे कमेंट के चलते आप जो प्रभावित हुए प्रतिक्रिया की स्वामी जी को ये पसंद नहीं आया, दुखी हो गए, या उस आदमी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, क्रोधित हो गए, तो प्रतिक्रिया से आप प्रभावित हुए, अपनी क्रिया से नहीं। और ये हर पॉइंट पर ऐसे होता है, हर पॉइंट पर। उसी प्रकार भाव से कोई प्रभावित नहीं होता है, भावना से प्रभावित होता है। जो चीज रंगा हुआ है उसको देख करके
हम उस रंग में अपने आप को देखते हैं और यही भाव जो शुद्ध है विश्व में नहीं या अन्य रंगों में नहीं बल्कि परमात्म के रंग में रंगने को भक्ति कहलाती है, जिसमें आधार होता है श्रद्धा, आधार है विश्वास, आधार है सरलता, निष्कपटता, निष्फलता, ये सब उसके आधार होते हैं। राम से महाराज में जी राम जी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव, कभी कभी लोग हमको कहते हैं कि भगवान के तो सभी प्रिय हैं, छाली कपटी चोरी और मपटी थी और एक पुण्य आत्मा थी, भगवान के लिए सभी प्रिय है क्योंकि सभी भगवान के संतान है। तो उसका दो उत्तर देते हैं। पहला उत्तर कि जैसे आप अपने संतानों में उसको अधिक चाहोगे जो आपकी बात मानता है और उसको कम चाहोगे जो आपकी बात नहीं मानता और घृणा करता है, आपकी उपेक्षा करता है आपका संतान लेकिन मानोगे किसको ज्यादा जो आपका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार भगवान किसको ज्यादा मानेंगे जो सम्मान करता है और जो सम्मान करता है उसको सम्मान कारक है वो पुण्य है, पुण्य आत्मा है और जो असम्मान करता है वो सम्मान कारक है वो दुरात्मा है। तो आपके अगर संतान में एक पुण्यात्मा और एक दुरात्मा है तो आप किसको ज्यादा मानोगे? पुण्यात्मा को। और ये बात गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हो राम से मानस में भी राम जी कहते हैं आपको कैसा पसंद है, कहते हैं मेरे को हर प्रकार के व्यक्ति पसंद है केवल तीन दुर्गुण नहीं होने चाहिए, कपटी नहीं होना है, छवि नहीं हो रहा है और मन में छेद वाला नहीं हो रहा है, मन में छेद नहीं हो रहा है। क्योंकि मन में छेद हो जाए, अगर आपके बर्तन में छेद हो जाए तो कुछ रहेगा उसमें, पानी डालोगे सब बह जाएगा, अनाज पकाओगे सब तरल पदार्थ निकल जाएगा छेद वर्ष। तो जिस पात्र में छेद है वो पात्र नहीं है, उसी प्रकार से जिस मन में छेद है वो मन नहीं है, वो छेदी मन है। जिस मन में छेद है वो मन नहीं है, वो छेदी मन है। तो राम तो स्पष्ट करे कि मेरे को हर प्रकार के लोग पसंद है केवल तीन में छली कपटी और छेदी मन वाले, क्योंकि वो कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकता है। अब देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक के एक मग हो या किसी चीज को तुम पानी में 10 दिन डुबाते हो और उसके बाद निकाल करके कोस लो, सूखा का सूखा ही रहेगा, पानी उसमें प्रवाहित करेगा, प्रवेश करेगा, कभी नहीं। लेकिन लकड़ी को डाल दो तो लकड़ी तो फूल जाए पानी से भर के, तो उसी प्रकार आदमी का दिमाग भी होता है किसी का प्लास्टिक वाला होता है, उसको कुछ भी चीज बदलाओ समझाओ सिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंदर के आचार में अदरक का स्वाद वाला किस्सा है, जब भैंस के सामने लीम बजाते जाओ तो कभी हटने वाली नहीं, ऐसे प्लास्टिक मन वाले लोग होते हैं। और कुछ लोगों का मन लकड़ी जैसा होता है
तो सब इसको सोच लेता है, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखता है। सब इसको सोचने के बावजूद भी वो डरता नहीं है अपने स्वरूप को और अपनी कठोरता को भी बनाए रखता है। वाले लोग पसंद है, जिसमें ग्रहणशीलता है वही आए। गीता में भी आपको कैसा व्यक्ति पसंद है, कृष्ण जी कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था Yeah.
Gracias. Hasta ahora. Peinando suerte.